नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CGL का। आप सभी को पता है कि फॉर्म आपके कम्प्लीटली सभी के फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं, ठीक है। इसकी 27 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट थी। आप सभी के फॉर्म कम्प्लीटली आपने भर दिए हैं, नहीं भरे हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपना फॉर्म को कम्प्लीट कर पाएँ, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, क्योंकि पेमेंट का भी ऑप्शन रहता है तो वो एक दिन के बाद तक रहता है, ठीक है ना। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इसमें आपके टोटल जो है फॉर्म आपके कितने भरे गए हैं, ठीक है। पिछले सालों में आपके कितने फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो अपना पेपर देते हैं, कितने परसेंट बच्चे होते हैं, मान लो 40% 50% या 30% 70%, कितने बच्चे पेपर आपके देते हैं, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बात करने वाला हूँ कि देखिएगा आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, आपका पेपर होगा, आप सभी का कब तक होगा, आप सभी के लिए पेपर के लिए कितना टाइम मिलने वाला है। और साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि देखिए आपका एडमिट कार्ड जो है उसका आपका कब तक आने वाला है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको बहुत ही उत्सुकता होगी। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, प्लीज आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन की डेट के बारे में। देखिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं ये चीज आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक एक्सपेक्टेड डेट आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि आपका एकदम 100% श्योरली तरीके से यही डेट होगी, बिल्कुल भी आपको अपने मन में संकोच नहीं लेना है कि भाई और ज्यादा डेट बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो टीयर 2 का पेपर है, वो आपका पेपर जो कितने तारीख आपका होने वाला है, दिसंबर 2024 में ही आपका देखिएगा टीयर 2 का भी पेपर होने वाला है, तो वो भी उनको कराना है। तो अगर मैं बात करूं तो आपकी टीयर 1 की एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2024, यानी कि इस सितंबर जो मंथ आपका आने वाला, पहले आपका देखिए अगस्त आएगा, फिर आपका कितना आने वाला आपका सितंबर, मतलब अब से 2 महीने बाद आप सभी का पेपर है। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करता हूं तो लगभग आपके पास कितने टाइम बचा आपसे लेके अगर आप बात करें तो देखिए ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो 50 दिन आप सभी के पास बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन, बस 50 से 55 दिन आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, बस 85 दिन आप सभी के लिए मिलने वाले हैं। तो लास्ट वीक में आप सभी का जो पेपर होगा वो आप सभी का होने वाला है, ठीक है भाई, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आपके डेट के बारे में भी आपको पूछेंगे, भैया इसकी थोड़ा सा डेट भी बता दीजिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ इस डेट को पेपर होगा। तो हम एक ऑन एन एवरेज डेट के बारे में बात करें, तो आपका एक डेट अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका जो पेपर होगा देखिए वो 25 तारीख से लेके, और देखिए हो सकता है कि 30 सितंबर तक आप सभी का जो पेपर है आप सभी का हो जाए, ठीक है। 25 से लेके 30 सितंबर 2024 तक आप सभी का जो पेपर होगा वो होने के पूरे पूरे चांसेस है कि इस डेट के बीच में आप सभी का जो पेपर है आप सभी का हो, ठीक है। अगर किसी कारण से अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 100 मतलब अगर मैं बात करूँ 2 से 4 दिन में, कितने दिन में, 2 से 4 दिन में आपको क्या होगा, एक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आएगा, ठीक है, ऑफिशियल आपको एक नोटिस मिलेगा, ठीक है, जिस नोटिस में आपको पूरी डिटेल आपको मिलेगी, वो नोटिस के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जैसे वो आएगा मैं आपको इन्फॉर्म भी करा दूंगा, लेकिन आप इसी के डेट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को करें, जिससे कि आप बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम डेट का ही काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं, जिसकी बहुत बड़ी दिक्कत आई है, ठीक है ना, ये उन कैंडिडेट की बहुत बड़ी दिक्कत है जो एग्जाम डेट का ही वेट करते हैं, क्योंकि पता है आपको एग्जाम तो होना ही है, तो बस होना ही है, बात खत्म। जब उन लोगों ने बोल दिया कि आपका सितंबर या अक्टूबर के मंथ में होने जाएगा पेपर, ये आपका अक्टूबर किस लिए बोला है, किसी कारण से अगर हुआ तो फर्स्ट वीक में जा सकते हैं, नहीं तो आपका पेपर सितंबर के लास्ट में होगा तो होगा, ठीक है। अगर किसी कारण से डिले हुआ तो सितंबर के फर्स्ट वीक में जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सॉरी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप अपने मार्क्स को और भी अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप अपना 100% श्योरली तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट लगाना जरूरी होता है। तो आप लोग अपना टेस्ट यहाँ से परचेस कर सकते हो, जो कि टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर आया है, जो कि आपके लिए ऑफर अभी फिलहाल इसमें चल रहा है, जो कि देखिएगा 28 जुलाई से ये ऑफर स्टार्ट हुआ था और आपका 31 जुलाई 2024 तक, यानी आज तक आपके लिए वैलिड है, ठीक है। साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप इसमें टॉप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका प्राइस है आप लोग देख सकते हैं 395 रुपीज़ आप सभी का प्राइस है, और अगर आप इसमें देखिए PNCE कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का जो डिस्काउंट है वो आप सभी के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप अपना अनलिमिटेड मॉक दे सकते हो, और साथ ही आप उसका प्रॉपर एनालिसिस भी यहाँ पे आप लोग ये देते हैं और टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपके मार्क्स जो इंप्रूव नहीं होंगे। तो आप इसको परचेस कर सकते हो, इसको परचेस करने का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही आप PNCE कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, उस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको परचेस कर लीजिएगा, परचेस करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है।
चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा आपके एडमिट कार्ड को लेके बात कर लेते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, तो एडमिट कार्ड के लिए देखिए सबसे पहले आता है आपका एग्जाम का सिटी एंड डेट, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन की डेट पता चलती है और एग्जाम का आपको सिटी पता चलता है, ठीक है। वो आपको कब पता चलेगा, जो कि आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, वो भी रीजन वाइज आता है। कुछ रीजन ऐसे हैं जिसका पहले आता है, कुछ रीजन ऐसे हैं जिनके बाद में आता है, ठीक है। बात करता हूँ, देखिए जो केकेआर रीजन होता है, ठीक है, केकेआर में जैसे कर्नाटक, केरला रीजन हो गया, राज्य हो गए। साउदर्न रीजन में आपके देखिएगा तमिलनाडु वगैरह या इधर साइड की जो है। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम, ये सारी इधर इधर के असम वगैरह के जो राज्य हैं वो, तो इन स्टेट के क्या है कि पहले से आते हैं। अगर मैं इससे ऑन एन एवरेज बात करता हूँ, मान लो आपका एग्जामिनेशन 25 तारीख को होता है, हम 25 सितंबर को मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर हो सकता है कि एक दो दिन ऊपर नीचे डेट हो तो उसके हिसाब से भी आप लोग बाद में इसको लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम इसी 25 के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि आपकी एग्जाम जो 25 से स्टार्ट है, ठीक है, 25 से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तो हम ऑन एन एवरेज बात करें तो देखिए इन जो रीजन है, केकेआर, एसआर और एनईआर रीजन का जो एडमिट कार्ड का एग्जाम की डेट एंड सिटी जो पता चल जाएगी, वो आपको पता चलेगी कितने तारीख को, 10 तारीख से लेकर 10 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के बीच में आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है, कब से, 10 से 15 सितंबर के बीच में। चलिए जो ईआर रीजन से आते हैं, एनडब्ल्यूआर रीजन से आते हैं, एनआर रीजन से आते हैं, एनईआर और सीआर रीजन से आते हैं, यानी सेंट्रल रीजन, एनआर रीजन, एनडब्ल्यूआर रीजन, ईआर रीजन, ठीक है, जो इन रीजन से आते हैं, और एक आपका कौन सा है, वेस्टर्न रीजन, ठीक है, एक डब्ल्यूआर रीजन और हो गया, एक डब्ल्यूआर रीजन, ठीक है। इन सभी रीजन के एडमिट कार्ड थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उन एवरेज डेट बात करूँ तो देखिए 20 के बाद उनके एडमिट कार्ड जो एग्जाम का डेट एंड सिटी उनको कभी भी पता चल सकता है कि आपको 20 के आसपास आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि जब भी आपके एग्जामिनेशन की डेट होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन पहले, कभी कभी होता है कि 5 दिन पहले, 4 दिन पहले पता चलता है। तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ आप सभी के लिए, 20 से 22 सितंबर 2024 के बीच में इनको एक पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है, किस सिटी को है, ठीक है, किस सिटी में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका दूसरे नंबर पर आपका एग्जाम की डेट आपको पता चल जाएगी, एडमिट कार्ड आप सभी का कब आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जो होता है वो आप सभी का देखिए 4 दिन पहले आता है, कब आता है, बिफोर। अगर मैं बात करूँ तो आपका देखिए कितने दिन पहले आता है एग्जाम डेट से, कितने दिन पहले आएगा आपका एडमिट कार्ड जो है, 4 दिन पहले आता है, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है ना। तो आप सभी का एडमिट कार्ड होता है, मान लो किसी की एग्जामिनेशन की डेट एक बात करें तो 26 तारीख है मान लो, ठीक है, 26 तारीख उसकी एग्जामिनेशन की डेट है, तो उसका एडमिट कार्ड जो आ जाएगा वो कितने को आएगा, 22 तारीख को उसका एडमिट कार्ड जो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा, मतलब जब भी आपकी एग्जामिनेशन की डेट होगी उससे 4 दिन पहले आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिएगा फॉर्म फिलअप के बारे में, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020 के बारे में कि 2020 में जो है टोटल कितने फॉर्म जो है भरे गए थे, ठीक है ना। 2020 में बात करें तो देखिए टोटल जो है 22 लाख कुछ फॉर्म भरे गए थे, मैंने ऑन एन एवरेज ले लिया है, मैं हज़ार में नहीं जा रहा, थोड़ा सा बस मैंने एक ऑन एन एवरेज डेटा ले लिया है कि 22 लाख के आसपास जो फॉर्म फिलअप हुए थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 22 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए और जिसमें पोस्ट थी आपकी 7108 टोटल पोस्ट थी, और इन्हें बात करें तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हुए, फॉर्म तो भरा कितने लोगों ने, 22 लाख लोगों ने, पेपर कितने लोगों ने दिया, केवल और केवल 7,16,000 बच्चों ने पेपर दिया था, कितने में लोगों ने, 7,16,000 बच्चों ने। अगर हम इसके परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो पेपर दे रहे हैं, केवल 32.74% बच्चे ऐसे हैं, 32.74%, मतलब 32.74 आपके परसेंट बच्चे हैं जो प्रेजेंट होते हैं पेपर में, टीयर वन का पेपर देते हैं बस। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखिए कितने परसेंट बच्चे रह गए, ठीक है ना, बाकी अगर हम बात करें तो 68% बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में बैठते ही नहीं है, केवल और केवल फॉर्म डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, 68% बच्चे ऐसे हैं जो केवल फॉर्म डाल के छोड़ देते हैं भाई, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 2021 के बारे में, 2021 के बारे में तो 21 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए, जिसमें बात करूं तो देखिए आपका पोस्ट कितनी थी, 7,621 टोटल इसमें आपकी पोस्ट थी, ठीक है। बात करें देखिए अपीयर कितने कैंडिडेट, मतलब कितने कैंडिडेट ने टीयर वन का पेपर हुआ था, पेपर जो दिया था वो 7,80,000 बच्चों ने पेपर दिया था। अगर इसमें बात करें तो 39.74% आपले बच्चों ने जो है पेपर दिया था, मतलब लगभग 40% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया था 2021 में, ठीक है, मतलब 70% बच्चा, सॉरी 40-60% बच्चा इसमें भी है जो कोई पेपर दिया ही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 2022 में आते हैं, 2022 में अगर हम बात करें तो 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी थी, 36,001 के आसपास वैकेंसी थी आप सभी की। तो इसमें जो पेपर में बच्चे जो बैठे, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ जब होती है, क्योंकि फॉर्म भी 34 लाख भरे गए तो भाई थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और ये रहता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो मतलब जो भेड़ बकरी की तरह जिसको जितने तैयारी आज तक करी नहीं है, जिसने सिलेबस नहीं देखा, वो भी पेपर देने जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, खैर उसमें अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अपीयर कितने कैंडिडेट हुए, मतलब 16,16,000 पर, यानी कि 16.16 लाख, मतलब हज़ार बच्चे जो पेपर दिए, यानी कि 16,16,000 बच्चों ने जो आप सभी का जो पेपर दिया। बात करते हैं इसमें कितने परसेंट बच्चे जो है, बात करें तो 48.18 बच्चों, 1% बच्चों ने पेपर दिया। तो लगभग इसमें भी बात करें तो 2022 में भी ऐसे 52% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर अपना नहीं दिया। आप लोगों को पता है
आपकी जो सीजीएल की थोड़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है, रुतबा बहुत अच्छा खासा है, तो इसलिए क्या है कि परसेंटेज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पेपर बच्चे दे रहे हैं, मतलब परसेंटेज जो उन लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है ना, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पेपर का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पिछले साल के बारे में, तो पिछले साल जो है 24 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए, 7686 पोस्ट टोटल पिछली बार पोस्ट थी, जिसमें 12,36,000 बच्चों ने पेपर दिया। बात करें कितने परसेंट हो गए, 49.97% बच्चे थे जैसे उन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑन एन एवरेज आपका 50% के आसपास आ चुका है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो आप सभी के पेपर अब देने लगे हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, देखिए 2024 जो अब चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट आप सभी की हो चुकी है सभी की, ठीक है, जिनने फॉर्म भर दिया, ठीक है, नहीं भरा तो उनका रह गया, तो आप वो नेक्स्ट के लिए तैयारी करें। ठीक है, MTS वगैरह का भर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ, एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, एक्सपेक्टेड आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, 30 से 31 या 32 लाख फॉर्म टोटल फिलअप होंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होंगे। ठीक है, टोटल में बात करता हूँ, एक मान लेते हैं कि 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं टोटल इस बार। ठीक है, सभी बच्चों के टोटल 30 लाख बच्चों के फॉर्म भरे जाते हैं, और गारंटी से कहता हूँ कम से कम ना तो 1 से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे इस बार भी। भाई साहब इतना सब कुछ देते हैं वो लोग और इतनी जानकारी देते हैं, और हम लोग भी बोलते हैं कि भाई अच्छे से फॉर्म भरो, लेकिन इतने के बाद भी 1 से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे इस बार भी कि फॉर्म आपका गलत होगा। किसकी वजह से गलत होगा, फोटो और सिग्नेचर की वजह से गलत होगा। कोई ऐसा ऐसे फॉर्म भर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दूर जाके फॉर्म भर रहा है, कोई मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, या फिर छोटी छोटी चीज़ें सिग्नेचर वगैरह डायमेंशन वगैरह अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी 1 से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म कैंसिल होगा उनका, देख लेना तुम। ठीक है, अगर वो SSC CGL वाले कुछ उनको दे देते हैं ऑप्शन तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो उनके लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 30 लाख बच्चे इस बार जो फॉर्म भरे टोटल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। पोस्ट आपकी पता है कि आपको कितनी पोस्ट है आप सभी की, 17,727 इस बार आप सभी की वैकेंसी टोटल है। बात करते हैं टोटल, अगर मैं बात करूँ इसमें 50% बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि इस बार आप सभी के पेपर देंगे, मान लो 30 लाख बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा, तो मान लो 15 लाख बच्चे जो है इस बार आपके पेपर देने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब पता है कि आपको थोड़ा जागरूक हो चुके हैं लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा। तो हम मान लेते हैं कि 50% ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार आप सभी का पेपर देंगे। आपको भी पता है कि देखिए तैयारी करने वाले कितने कैंडिडेट होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं तैयारी करने वाले। ठीक है, तैयारी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो केवल 1 से 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो केवल और केवल अपना सीरियसली तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी के जो बच्चे होंगे ना, कोई तैयारी नहीं है उनकी, कोई या फिर वैसे ही अपना फॉर्म भर दिया, तो ऐसे बच्चे काफ़ी होंगे। ठीक है ना, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये चीज़ मत देखिए 30 लाख फॉर्म भरे हैं तो कितने बच्चे, या बिल्कुल मत सोचो इन सब बातों को, क्योंकि 50% बच्चे तो ऐसे हैं जो कि आपके फॉर्म भर दिए हैं बस पेपर देने ही नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देख लो, 1 लाख बच्चे, 1 से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म उनके कैंसिल होंगे। दूसरी बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, केवल जो कंपटीशन होने वाला है वो 1 से 1.5 या 2 लाख बच्चों के बीच ही कंपटीशन होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो वैकेंसी होती है वो जो जो तैयारी करते हैं, अच्छी लेवल की तैयारी होती है, वो वैकेंसी को 70,000 वैकेंसी को ले जाते हैं खींच के ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल में बता दिया, बाकी बिल्कुल भी इधर उधर की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। जैसे ही आपका ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर कहीं भी वीडियो देखने की इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस अपने मन से अच्छे से तैयारी करो और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर कर दी, एग्जामिनेशन डेट आपको एक्सपेक्टेड बता दिया, इसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, बाकी जो भी डेट होगी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया, टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बता दिया। ठीक है ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर कर दिया, बाकी कोई और भी अपडेट आती रहेगी तो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी अभी आपके मन में कोई भी सुझाव या कोई डाउट बनता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप सभी के लिए, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।